नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज इंडिया पर। इस वीडियो में सीटेट के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी तक क्यों नहीं आया रिजल्ट। तो इसमें बता दो कि सीटेट का पेपर कौन कराता है, सीबीएसई, ये आप सभी को मालूम होगा। इसमें सीबीएसई सीटेट का पेपर कराता है और अब सीबीएसई के ऊपर तीन तरह के लोड हैं। सीबीएसई टेंथ का रिजल्ट निकालने को है और ट्वेल्थ का और सीटेट का। अब सीटेट का रिजल्ट इसमें थोड़ा सा विवाद हो सकता है, इसलिए टेंथ का और ट्वेल्थ का पहले निकालने की कोशिश करेंगे ये सीटेट वाले। तो निकालने तो तीनों ही हैं, लेकिन ये पहले टेंथ का रिजल्ट निकालेंगे, उसके बाद ट्वेल्थ का, उसके बाद सीटेट का, क्योंकि टेंथ में और ट्वेल्थ में कोई विवाद नहीं है। अब सीटेट में क्या है, इसमें नॉर्मलाइजेशन हो रहा है इस बार। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें तो दिक्कत होने वाली है इसमें, क्योंकि इसमें ये पहली बार कर रहे हैं, एक तो पहले तो कभी किया नहीं है और ये पहली बार कर रहे हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि उसमें नंबर जैसे कि 150 का पेपर है, उसमें ऊपर भी जा सकते हैं और ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसलिए दिक्कत खड़ी हो सकती है और इसमें बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। उसमें जैसे ही रिजल्ट निकालेंगे उसमें बहुत वीडियो बनेंगे उसके ऊपर कि ये सीटेट का रिजल्ट कैसे निकाला है, कि 150 में से ऊपर निकाल रहे हैं नंबर, तो बहुत परेशानी आने वाली है। आ इसमें 15 तारीख को तो टेंटेटिव डेट थी इसकी, उस तारीख को तो रिजल्ट आया नहीं। अब 16 तारीख को क्या था, पब्लिक हॉलीडे दिल्ली में था, उसमें रविदास जयंती थी 16 तारीख को, तो 16 तारीख को तो आने को रहा और 15 तारीख को टेंटेटिव डेट थी, उस दिन को तो आया नहीं। अब इसमें आज है 17 फरवरी, आज का पता नहीं अभी आएगा कि नहीं। अब इसमें सीबीएसई के न्यू चेयरमैन आए हैं अभी 14 तारीख को 2022 में, न्यू अपॉइंट हुए हैं विनीत जोशी। अब इनके सामने क्या सीन है कि इनको अभी कुछ पता तो है नहीं है ज़्यादा कि सीटेट क्या होता है, ये तो आईएएस ऑफिसर हैं और ये इन्हें पूरी नई जानकारी दी जाएगी, तो इन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए इसके लिए, और इसलिए टेंथ का और ट्वेल्थ का उसके लिए इनको कोई जानकारी की ज़रूरत नहीं है, वो रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन सीटेट के रिजल्ट में उसमें नॉर्मलाइजेशन लगाएं या ना लगाएं, थोड़ी दिक्कत होगी या नहीं होगी, उसको संज्ञान में लेने के लिए उसके लिए टाइम लग सकता है। तो अब सीटेट का रिजल्ट इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी संज्ञान में लेते हैं और अपनी टीम के साथ कितनी जल्दी डिस्कस करते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। जैसे ही ये सीटेट के संज्ञान में ले लेंगे तभी ये रिजल्ट निकलने की संभावना है, और उसके लिए अभी 15 तारीख निकल चुकी, 15 तारीख को नहीं आया रिजल्ट, 16 तारीख को छुट्टी थी दिल्ली में, अब 17 को अभी पता नहीं है कब आएगा। अब आपको क्या लगता है कब रिजल्ट आ सकता है, अगर आपको लगता है कौन सी तारीख को आता है, आ सकता है, तो आप इसको कमेंट कीजिए, जिससे मालूम पड़े कि आपको कुछ नॉलेज हो शायद, तो इसमें कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या लगता है कब आ सकता है। 17 तारीख तो निकली जा रही है, उसमें तो अभी रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, और सीटेट की ऑफिशियल साइट पे भी अभी कुछ अपडेट नहीं देखने को मिला है अभी तक, और कल तो छुट्टी थी। तो अगर आपको लगता है किसी तारीख को कब आएगा, कि आ जाएगा या कल आएगा, तो उसको कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको ये बता दूँ कि अब चैनल का नेम चेंज कर दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। पहले केडी क्लासेस था, अब केडी क्लासेस इंडिया कर दिया है, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत आ रही थी कि सर्च में नहीं आ रहा था यूट्यूब चैनल, इसलिए केडी क्लासेस इंडिया कर दिया है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।